नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाइयों, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे अलग अलग बातों के लिए, कैबिन कैसा है, सक्सेसफुल है नहीं है, इसमें जैसा रोटावेटर पे चले धूल वूल तो नहीं जाती, इस तरीके के कमेंट थे। धूल जावे तो कितनी जावे, कैसे, और एसी काम करे गर्मियों में नहीं करता। भी हमारे पास इसको लगभग 10 महीने हो गए आयु हुई से, और तो इस बारे में डिटेल में बताऊंगा आज हम आपको कि इसमें क्या हमें प्रॉब्लम आई या किसी प्रकार की कुछ दिक्कत आई, धूल अंदर जावे या नहीं जाती, देख लो आप। ये सिलेंसर लगा रखा हुआ है, इस पर जाली वाला न्यूलैंड का ओरिजिनल है, और ये इसका फिटिंग है। पहले मैं आपको इसका फिटिंग दिखा दूँ एक बार। भैया, इसका कंडेंसर तो ऊपर रखा हो रहा, अच्छा बड़ा कंडेंसर है, देखो ये दो फैन है इसमें, और ये इसका कवर बना रखा, और ये जेएस वर्क्स मोरिंडा लगवाया था हमने। और इसका जो कंप्रेसर है वो अंदर है, सो के अंदर है, यहाँ पे खोल के दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। और लुक देखो आप कैसी है, जो हमने पहले वीडियो बनाई थी इसमें शीशे उतार रखे थे, तो ये शीशे लगा दिए भाइयों फेर के। भाइयों, धूल की बताऊंगा आपको अंदर से, जैसे ये बरीक धूल है तो थोड़ी बहुत, जैसे ब्रेक ब्रेक के वहाँ हैं उनमें को थोड़ी बहुत जाए, ऐसी ज़्यादा नहीं जाती ना, वो महसूस होती है भाई इतनी ज़्यादा आ रही। जो कुछ है हम उस पर अभी कपड़ा लगा लिया उसका, हमने कोई वो नहीं करा। देखो जरा सी जगह है, इसमें को आ थोड़ी दूर, और बाकी पैरों वैरों से ही जावे, जितनी भी जावे उतने लीजर लेवल पर भी चलाया योरा, और रूटर पे सबसे ज़्यादा रूटर पे ही चलाया, तो कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। कूलिंग ज़बरदस्त है, एक नंबर की कूलिंग में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, कूलिंग तो बहुत बढ़िया है, चिल्ड कर दे अंदर से। ना हमने आज लगे फुल पे चलाया, फुल पे तो चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके एसी वेंट है, अभी अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको, और हमें जो समस्या आ रही वो आ रही थी बस एक ऑल्टरनेटर की, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटर में दिक्कत आ जा, क्योंकि जब एसी चले थोड़े से दिन तो चल जा, फिर दिक्कत करने लगे। वो हमने एक बार ठीक करवा लिया, और तो सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे से देख लो, मैं आपको एक बार खोल के इसको दिखा दूं, कंप्रेसर कहाँ पे लग रहा इसमें। हाइड्रोलिक सिलेंडर आ रहे हैं दो, इसको बोनेट को उठाने के लिए। मैं हम पहले सोच रहे थे जो कंडेंसर छत पर ऊपर लग रहा है वो आगे लगवाने के, वो भी अंदर ही हो जाए, और उसका अंदर फिटिंग नहीं आ पाया। और ये इसका कंप्रेसर है, इसकी बेल्ट है, इसमें ऐसे मतलब पूरी ना बेल्ट कर रखी है,
और जो एयर है वो पीछे गए, एयर था यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखा दूँ जिसका ऑल्टरनेटर है, जो कंपनी से है असल, वही ऑल्टरनेटर है, वही चल रहा है अब तक। वैसे तो थोड़े से दिन तो चल जा, फिर ये फूक जा, थोड़े से दिन बाद ये चेंज करना पड़े, मतलब ठीक करवा के लाना पड़े, तो इसे चेंज करेंगे। जो 35 एम्पियर का है बड़ लगाऊंगे 80 एम्पियर का, फिर वो सही काम करेगा। वो भी जल्दी लाऊंगा, उसकी चेंज की भी वीडियो होगी। अंदर से चेक करवा दूं, बड़ों भीतर भी बैटरी बॉक्स पतली साइड था, वो यहाँ आ गया। भाई इसमें गूंज जैसे गियर बॉक्स की आवाज हो, गूंज तो इसमें तो बनती नहीं ऐसी खास। जैसे गियर बॉक्स है तो गियर बॉक्स में गरारियों की आवाज, जैसे रोटर पे चले तो पहले थोड़ी सी ज्यादा आकर थी शुरुआत शुरुआत में, अब तो इतनी नहीं होती। और बाकी सही है, यह लाइट है यहाँ, ये एसी वेंट है देख लो आप, और ये सारे कंट्रोल लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये स्पीकर है, ये इसका म्यूजिक सिस्टम है। और भाई ये चाबी ले रखी, इसकी चाबी नहीं ले रहा मैं यहाँ, मैं अभी दिखा भी देता आपको स्टार्ट करके। बाकी सब चीज़ फिट है भाई, बस एक तो दो दिक्कत इसमें उसकी आ रही, ऑल्टरनेटर की आ रही, और हमें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही। दूर दूर को देखो मैं जैसे ही हुआ है यहाँ, यहाँ हमने इसका ये भी कुछ बहुत नहीं लगाया, इसके ऊपर इस तरीके का कवर बन जाएगा। तो मेरा इस तरीके का कवर बन जाएगा, और फिट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए सी वेंट है इसके, कंट्रोल है, यहाँ लेदर लेदर का कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है, और ये म्यूजिक सिस्टम, ये कैमरा, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, इसकी चाबी भी घर पे है। ये जो है टंकी, तेल की टंकी अंदर आ गई इसके, जो देखो यहाँ पे। बाकी सब ऐसे ही है, नीचे ही टूल बॉक्स यहाँ आ गया, मंजे के लिए बैटरी वैटरी, ये डोरी के लिए ढक्कन है, अपने दोबारा से बनवा रखा। बस उन जगह पे वो धूल वूल से आए, और उन जगह वो कोई खास धूल नहीं आती, बढ़िया चल रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।